ऋतिक की ब्लॉकबस्टर फिल्म क्रिश के चौथे भाग में काम जोरों शोरों से शुरू होने वाला है। निर्देशक राकेश रोशन अपनी आने वाली फिल्म क्रिश 4 में सुपरस्टार अक्षय कुमार को विलन के किरदार में लाने की सोच रहे हैं। फिलहाल अक्षय कुमार अपनी आगामी फिल्म रोबोट 2.0 के किरदार में नजर आ रहे हैं, उसमें भी वो विलन की भूमिका निभा रहे हैं। एक बार फिर से अक्षय कुमार क्रिश 4 में विलन बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो क्रिश 4 के निर्देशक राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने अक्षय कुमार की आगामी फिल्म 2.0 की मेकिंग और अक्षय कुमार का लुक देखा। मुझे अक्षय कुमार का काम इसमें बेहद ही पसंद आया है। मैं उनसे क्रिश 4 के विलन के किरदार के लिए पूछूंगा, अगर वो हाँ भर देते हैं तो मैं उन्हें ही साइन करूँगा। राकेश रोशन की ये फिल्म 2019 के पहले हफ्ते या फिर 2018 के आखिरी महीने में रिलीज हो सकती है। इस फिल्म में अगर अक्षय कुमार हुए तो ये फिल्म 2018 या 19 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है, क्योंकि इस फिल्म में पहले से ही ऋतिक रोशन है और ये फिल्म दर्शक और युवाओं में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि ये फिल्म भारत की पहले सुपर हीरो की फिल्म है और अगर इसमें अक्षय कुमार हो जाते हैं तो ये नहले पर दहला होगा। ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार मिलकर दोनों धमाका मचा सकते हैं। ऐसे में शाहरुख, सलमान, आमिर सहित सारे खानों के रिकॉर्ड्स भी धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स अपने नाम पर फिल्म चलाने में नाम रखते हैं। अक्षय और ऋतिक दोनों क्रिश 4 में अगर नजर आएंगे तो वाकई में ये कमाल हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या अक्षय कुमार और ऋतिक की जोड़ी क्रिश 4 में धमाल मचा पाएगी या नहीं। और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचेगी सबसे पहले।